हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। जैसे आप जानते हो कि हमने पिछली वीडियो में शुरू कर दिया है शेयर कैपिटल, और मैंने आपको शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी बताया कि जब हमें बड़े लेवल पर पैसा चाहिए होता है तो हम लोग कंपनी बनाते हैं, तो हम बोझ किसी दो तीन लोगों पर नहीं डालते, हम अपने पूरी कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, हिस्सों में, और एक हिस्से को बोला जाता है शेयर। फिर पब्लिक जितने शेयर खरीदती है उतना मालिक बन जाती है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जरूर जाइए, जरूर देखिए, उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, क्योंकि आज हम थोड़ा आगे की बात करने वाले हैं। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि कैसे जनरल एंट्रीज पास करी जाती हैं, आज एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर आप बुक को फॉलो करोगे ना, बुक क्या करती है, बुक जंप कर रही है, कुछ ये टॉपिक ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया। तो मैं आपको अपने हिसाब से बताऊँगा और आपको प्रॉपर स्टेप बाई स्टेप आगे लेके चलूँगा। आज हम बात करेंगे कि हम अपने शेयर को दो तरह से इशू कर सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। अब पार का मतलब क्या होता है, पहले मैं बता दूं, जो हमारे एक शेयर की कीमत होती है उसे बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनल या फेस वैल्यू। जैसे कि आपने कहा जी हमारी कंपनी के पास कुल कैपिटल हमारी है 10 लाख, ठीक है, और हमारी कंपनी के हमने 1 लाख हिस्से कर दिए हैं, तो एक हिस्से की कॉस्ट कितनी आई है, 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ उस कंपनी का क्या है, नॉमिनल वैल्यू है या फेस वैल्यू। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जब शेयर इशू करते हैं तो कभी कभी तो हम उसको उतने में इशू कर देते हैं और कभी कभी ज़्यादा में करते हैं। तो जब जितनी हमारी नॉमिनल वैल्यू हो, जितनी हमारी फेस वैल्यू हो, उतना ही हमारा इशूड वैल्यू हो, हम इशू भी उतने में कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एट पार। यानी कि अगर हमारा एक शेयर 100 रुपये का है फेस वैल्यू, तो हम पब्लिक को 100 रुपये में ही उसको दे रहे हैं, उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। पार में जितनी वैल्यू उतने का शेयर। अब आप बोलोगे सर ये का मतलब हुआ जितने का शेयर है उतने का तो देंगे, नहीं बेटा। कभी कभी क्या होता है कि हमारी कंपनी की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, उसका ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा होता है कि पब्लिक पागल होती है हमारी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। अब आप लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, आपको पता है जब किसी चीज़ की डिमांड जब बढ़ जाती है तो थोड़ा रेट भी बढ़ता, नहीं बढ़ता। अब मान लीजिए रिलायंस जियो है, सबको पता है जियो फाइबर लाइन डल रही है, और आगे वाले टाइम में क्रांतिकारी चेंज आने वाला है जियो में, तो जियो के शेयर पक्का बढ़ने वाले हैं। अब जहाँ जियो ने 1 लाख शेयर की डिमांड करी और पब्लिक कम से कम नहीं तो 20 लाख एप्लीकेशन पहुंच गए जियो के पास, तो जियो क्या करेगा, जियो उसको महंगे पे बेचेगा, है ना। पुराने टाइम में बच्चों को मैं एग्जांपल देता हूं कि पुराने टाइम में मूवीज़ ब्लैक में टिकट बिकती थी, जो अच्छी मूवीज़ होती थी बेटा 100 रुपये की टिकट है तो उस टिकट को 120 150 200 रुपये में बेचा जाता था। क्यों, बिकॉज मूवी अच्छी है लोग खरीदेंगे उसको, और फ्लॉप मूवी है तो उसको 100 का 100 में क्या लोग देखना पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ भी क्या है, ये हिट मूवी है, ये उन कंपनी की बात कर रहा हूँ एट प्रीमियम का मतलब जो सुपर हिट कंपनी है और सब लोग उनके शेयर्स में भागीदार बनना चाहते हैं। तो वो कंपनी क्या करती हैं, अपने शेयर्स को अपनी फेस वैल्यू, सपोज करो शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, तो वो उसको 100 में नहीं देते, वो 100 से ज़्यादा, चाहे वो 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, इवन 200 हो सकता है, और भी ज़्यादा। तो व्हाट यू मीन बाय प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब जब अपनी नॉमिनल या फेस वैल्यू से हम अपने शेयर को और एक्स्ट्रा में इशू करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को प्रीमियम बोलते हैं। पहले डिस्काउंट भी था लेकिन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो अभी हम डिस्कस करेंगे नहीं। समझ आया कि हम शेयर को दो तरह से इशू कर सकते हैं, एक जितने का शेयर है उतने में, बिल्कुल सीधी कंपनी है एट पार, एक जितने का शेयर है उससे ज़्यादा में। समझ आई बात, आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं और बता दूं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी, वेट ए मिनट, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब कंपनी ये पैसे मांगती है ना, 10 रुपये 100 रुपये जितने का भी शेयर है, ये पैसा एक साथ नहीं मांगती, मैंने आपको बताया था ये एक इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है, ठीक है। मगर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है, अब कभी कभी मैं बताता हूं, कभी कभी कंपनी उसको एक साथ भी मांग लेती है। बहुत सी कंपनी जो होती है ट्रेडिंग कंपनी होती है, एक तरफ से सामान खरीदती है एक तरफ से बेच देती हैं, तो उन कंपनियों को तुरंत पैसा चाहिए, तो कभी कभी कंपनी सारा पैसा एक साथ मांग लेती है, उसको बोलते हैं लमसम, LUMPSUM, लमसम, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक मुश्त, यानी एक साथ।
तो कंपनी एक साथ पैसा मांग लेती है, उस केस में कैसे एंट्री करते हैं प्रीमियम की, मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं विदाउट प्रीमियम बात कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट मैंने डिस्कस नहीं किया था। अब मान लीजिए क्वेश्चन पार का है, तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, एंट्री होगी मान लीजिए किसी कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और एक शेयर की कॉस्ट है 10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर है। अब कंपनी सारे 10,000 शेयर एक बार में मांग रही है, उसको बोलते हैं लमसम। जब कंपनी मांगेगी, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एंट्री बताई थी, कंपनी पास पैसा आएगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करना ही नहीं है, ये 11th की एंट्री है, मैंने समझाया था। 11th में बिजनेस शुरू होता है, क्या एंट्री होती है, बैंक टू कैपिटल, यहाँ भी यही है बेटा, ठीक। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैंने आपको बताया था जब हम कॉल मांगते हैं तो सबसे पहले जो पैसा मांगा जाता है उसे एप्लीकेशन बोलते हैं, बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, दूसरे नंबर पे अलॉटमेंट का पैसा आता है, उसके बाद कॉल शुरू होती है। पर क्योंकि हम यहाँ पे एक साथ पैसा मांग रहे हैं बेटा, इसलिए यहीं पर हम एप्लीकेशन बोल देंगे और इसी को अलॉटमेंट बोल देंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मान लीजिए हमने कहा जी 10,000 शेयर है, तो 10,000 शेयर हैं और एक शेयर पे हम 10 रुपये मांग रहे हैं, यानी कि कितने हो गए सर 1 लाख, हम 1 लाख रुपीज़ मांग रहे हैं, ठीक है। और सेकंड एंट्री क्या होती है सर, सेकंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। मैंने आपको बताया था कि देखो हम कितनी भी कॉल मांग लें, कितनी भी पार्ट्स में डिवाइड कर दें, सारा पैसा एक्चुअली में जहाँ कर रहा है कैपिटल में, तो आपको जितना भी पैसा मिलता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमने पूरा पूरा पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया 1 लाख रुपये से। तो बस ये 2 ही एंट्री होंगी जब हमारा क्वेश्चन कैसा है लमसम का, यानी सारा पैसा कंपनी एक साथ मांग रही है, उसको पैसे की ज़रूरत है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो पहली एंट्री में पैसा मिला, पैसे मिलने की एंट्री आप सबको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस कॉल का पैसा मिल रहा है, बिकॉज सर इसमें कोई कॉल तो है नहीं, तो इसलिए हम इसे 2 चीज देखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही एप्लीकेशन है और यही अलॉटमेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री, जो भी पैसा हमको मिला है वो हमें कहाँ पर चढ़ाना है सर, वो सारा पैसा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। ये क्वेश्चन था पार का, पार का मतलब 10 की चीज थी, 10 में पब्लिक को दे दी थी। अब यही क्वेश्चन अगर सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि 10,000 शेयर हैं, 10 रुपये ईच और 2 रुपये का प्रीमियम है, मैं आपसे बोलता हूं कि 2 रुपये का प्रीमियम है, तो अगर 2 रुपये का प्रीमियम है अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर 10 रुपये का शेयर है मगर पब्लिक इसको 12 रुपये में दे रही है, 2 रुपये एक्स्ट्रा मांगना चाह रही है, तो एंट्री में क्या चेंज होगा। पहली एंट्री बिल्कुल सेम है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम पे पैसा आ रहा है, मगर अब कितना पैसा आ रहा है, अब मैं पब्लिक से 10 रुपये नहीं मांग रहा, मैं पब्लिक से 10 रुपये तो शेयर के मांग रहा हूँ और 2 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ, मैं पब्लिक से 12 रुपये मांग रहा हूँ। तो पहली एंट्री में हल्का सा चेंज अमाउंट में हो जाएगा, हम बोलेंगे भाई देखो पब्लिक से कि हमें 10,000 शेयर का पैसा दे दो, लेकिन अब की बार हम तुमसे 12 रुपये ले रहे हैं, यानी हमें पब्लिक कितने पैसे देगी सर, पैसा देगी 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट जब हम एंट्री करेंगे तो हम बोलेंगे हमें कितना पैसा मिला सर, हमको पैसा मिला 1,20,000, वही एंट्री हमने क्लोज कर दी। अब मेरा एक सवाल, इस 1,20,000 रुपये में से या 12 रुपये में से शेयर कैपिटल के कितने पैसे हैं। सर शेयर कैपिटल का मतलब होता है जो शेयर में ट्रांसफर होंगे, तो आप बताओ आपके पास 10 रुपये शेयर के हैं या 12 रुपये शेयर के हैं, आंसर है सर 10 रुपये, बिकॉज 2 रुपये तो हम एक अलग सी चीज़ के मांग रहे हैं, किसके, प्रीमियम के मांग रहे हैं। तो शेयर कैपिटल में तो वही वैल्यू जाएगी जो एक्चुअल में शेयर की है, एक्चुअल में शेयर कितने का है 10 रुपये का, तो सर 10 रुपये यानी कि 1,00,000 रुपये तो हम लोग किस में ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। मगर जो 20,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं सर, उसके लिए अकाउंट बनाया जाएगा टू, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। किस अकाउंट से लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब जो 20,000 रुपये हैं वो 20,000 हमने उस रिजर्व में डाल दिए, इसके अलावा तुम्हें कभी कुछ परेशान नहीं करेगा, बस यही एंट्री होती है।
इकाई की एंट्री मैंने बताई कि जब हम सारा पैसा पहली बार तो एक साथ मांग रहे हैं लमसम, और लमसम में भी अगर हम प्रीमियम मांग रहे हैं, प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो आपने कहा जी 10 रुपये का शेयर था और हम पब्लिक से 12 रुपये मांग रहे थे, 2 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे थे प्रीमियम के। तो पहली एंट्री 10,000 शेयर हैं और पब्लिक हमें 12 रुपये दे रही है, तो हमने पहले तो 12 रुपये के हिसाब से 1,20,000 ले लिया। और फिर अब बारी आ रही है उस पैसे को कहाँ भेजने की, जहाँ इसकी असली जगह है यानी कैपिटल में भेजने की। तो हमने बताया कि हमें 1,20,000 में मिले थे, मगर असली जगह जो कैपिटल है वो केवल 1,00,000 का गया और 20 जो एक्स्ट्रा है वो किसके, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के। इस बात को फोकस करना और इस बात पे भी फोकस करना, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों लिखा है बिकॉज यही एप्लीकेशन है और यहीं पर अलॉटमेंट है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे कि थोड़ा सा हमें इजी रहेगा। आइए फटाफट से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बड़ा, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई एक सिमको लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने इशू किए हैं 20,000 इक्विटी शेयर्स। कितने इक्विटी शेयर्स हैं इसके? सर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, सर 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं। चलिए आगे हमसे इसने बताया कि भाई 10 रुपीज ईच, एक कॉस्ट शेयर की कॉस्ट कितनी है, एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर है। और उसने कहा ऑफ ₹2 पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन एट ए प्रीमियम ऑफ 2, यानी इस पे 2 रुपये का प्रीमियम है, 2 रुपये का प्रीमियम है, वो हमें सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मिल रहा है। आपसे कह रहा है ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, सारे शेयर हमने जो अप्लाई किए थे वो हमने अलॉट भी कर दिए हैं, पब्लिक ने जो अप्लाई किए थे हमसे हमने सबको पैसा दे दिया, शेयर अलॉट कर दिए, आप एंट्री पास कर दो। तो क्वेश्चन कौन सा है, लमसम का है, पहले एंट्री पास करते हैं। एंट्री पास सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दोनों चीज़ें लिख दी हमने। कितने पैसे मिल रहे हैं हमको? सर 20,000 शेयर्स हैं, वैसे तो हमारा शेयर 10 रुपये का है पर पब्लिक से हम 12 मांग रहे हैं, 2 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो पब्लिक हमें 2 रुपये एक्स्ट्रा यानी 12 रुपये दे रही है। ठीक, तो कितना हो गया सर, 12 जो 24 सर 2,40,000 रुपीज़ हमको मिल गए। अब जो पैसा हमको मिला है ये पैसा हमें कहाँ भेजना है, इसकी सही जगह पे, सही जगह का मतलब कहाँ भेजना है, शेयर कैपिटल में, मगर सारा पैसा नहीं, क्योंकि शेयर कैपिटल केवल कितने की है, 10 रुपये की है, और 2 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ भेजने हैं सर, प्रीमियम में। सर हमें एक्चुअली में मिले 2,40,000, मगर शेयर का कितना पैसा है, शेयर का पैसा केवल 10 रुपये है, तो x10 यानी के 2,00,000 है ना। और बात समझ नहीं आई तो मैं ऐसे समझा देता हूँ, 20,000 शेयर पे केवल 10 रुपये ही शेयर कैपिटल के हैं, और वो बाकी एक्स्ट्रा पैसे हमने लिए हैं 2 रुपये, ये 2 रुपये किस बात के लिए हैं सर, प्रीमियम के। तो ये 40,000 रुपये हम लोग प्रीमियम में ट्रांसफर करते हैं। आई होप आपको समझ आया प्रीमियम का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो भी इसमें लमसम में। तो आगे बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन नॉर्मल होता है यानी इंस्टॉलमेंट वाला केस होता है तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं अगर प्रीमियम का क्वेश्चन है और क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट्स का है, इंस्टॉलमेंट तो आप सभी जानते ही हैं कि जब हम पैसा कैसे लेते हैं सर, एक बार में नहीं लेते, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब पैसा एक बार में नहीं लेते हैं तब प्रीमियम का क्या करा जाए। देखो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता, जैसे आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूं, आपको अपनी इंस्टॉलमेंट तो याद ही है, सबसे पहले हम एप्लीकेशन मांगते हैं पब्लिक से, फिर अलॉटमेंट, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी, और फिर कॉल मांगते हैं। अब कॉल चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, सेकेंड एंड फाइनल हो, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर इंस्टॉलमेंट्स दे रखी है, पैसा जो कंपनी है वो टुकड़ों में मांग रही है, और क्वेश्चन में प्रीमियम है और प्रीमियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो प्रीमियम कहाँ पर मांग रही है, यानी वो एप्लीकेशन पर मांग रही है, अलॉटमेंट पे या कॉल पे, तो उस केस में आप हमेशा अलॉटमेंट पे प्रीमियम मानेंगे। इसके पीछे लॉजिक ये हो सकता है कंपनी का कि भाई यहाँ पर तो हम श्योर नहीं है ना, जितने लोग हमें एप्लीकेशन दे रहे हैं क्या हम श्योर हैं कि उन सभी को हम लोग
शेयर दे रहे हैं, इसलिए कंपनी उन लोगों से प्रीमियम मांगेगी जिनको पक्का हो गया यानी अलॉट कर दिया है। ये एक लॉजिक हो सकता है, कब, जब कुछ ही नहीं कह रखा, बाकी जब क्वेश्चन कहेगा जैसे भैया वो आदेश देगा हमको फॉलो करना पड़ेगा। हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं और मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज कंपनी का क्वेश्चन पढ़ना अपने आप में एक आर्ट है बेटा, पागल हो जाते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो मैं कुछ वर्ड आपको बताना चाहता हूँ, जैसे सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, मैं आगे जाके आपको एक प्रॉपर थ्योरिकल क्लास दूंगा और जब मैं आपको बैलेंस शीट सिखाऊंगा उसमें मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। अभी आप हल्का सा समझ लीजिए, ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है या नॉर्मल कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी कितनी कैपिटल इशू कर सकती है, ठीक है। वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बता देती है कि मैं मैक्सिमम इतनी कैपिटल इशू करती हूँ। तो हम कभी भी ऑथराइज कैपिटल से क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऑथराइज कैपिटल तो उसने बता दिया कंपनी इतनी इशू कर सकती है, उसमें से कंपनी कितने इशू कर रही है। मान लो किसी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है कि वो 10 करोड़ तक कैपिटल पब्लिक से मांग सकती है, कंपनी को 10 करोड़ की जरूरत ही नहीं है, कंपनी का अभी तो मुझे केवल 1 करोड़ चाहिए। तो कंपनी 1 करोड़ अगर मांग रही है उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल, कितनी कंपनी ने इशू किया। अच्छा सर, तो हम इशूड कैपिटल से क्वेश्चन करेंगे, हम इशूड से भी नहीं करेंगे, हमने तो मांग लिया कंपनी से पब्लिक से 1 करोड़ रुपए दो हमको, पब्लिक हमसे कितने अप्लाई कर रही है यानी पब्लिक हमसे कितना ले रही है, हम हमेशा उससे क्वेश्चन करेंगे, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो आपको हमेशा किस पे फोकस करना है कि पब्लिक ने कितने शेयर हमसे मांगे हैं, हम कितना इनको दे रहे हैं उससे नहीं, पब्लिक कितना हमसे मांग रही है उससे हमें मतलब होता है। इसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन आते हैं, ये आगे जाके मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन को अपना ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको कि ऑथराइज कैपिटल ऑफ सोहानी लिमिटेड, एक कंपनी है सोहानी लिमिटेड, वो 45 लाख रुपए तक की उसकी ऑथराइज कैपिटल है यानी वो कैपिटल इशू कर सकती है। वो कैपिटल कैसे डिवाइड है, उसने 30,000 हिस्से कर दिए हैं उस कैपिटल के, यानी 30,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत है 150 रुपये। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, उसने अपनी पूरी कैपिटल को 30,000 शेयर कर दिए और एक शेयर की कॉस्ट रख दी 150 रुपये। अब कितने मांग रही है देखते हैं जरा, आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड 15,000 शेयर, पब्लिक को कंपनी को अभी केवल 15,000 शेयर ही इशू करने हैं, 15,000 ही पैसा चाहिए, तो 15,000 शेयर वो इशू कर रही है, 150 रुपये का एक शेयर है, उस पर 10 रुपये का प्रीमियम मांग रही है। कंपनी अच्छी है, गुडविल अच्छी है, तो कंपनी कह रही है देखो मैं सामान तो मैं 150 का दूंगी मगर लूँगी तुमसे 160 क्योंकि मेरी गुडविल अच्छी है और तुम खूब बढ़िया कमाओगे उससे बड़ा। आगे कहता है अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, अमाउंट कैसे पेबल है उस बात को ध्यान देखना, मैं किस तरह नोट करता हूँ, आपको भी ऐसी हैबिट डालनी है। 50 रुपीज़ एप्लीकेशन पे है, सर 50 रुपये हम एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं उसके। 40 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 40 रुपये हम अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है इसमें से शेयर का कितना पैसा है और प्रीमियम का कितना, तो उसने कहा इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब ये बताओ प्रीमियम कितने रुपए का था, 10 रुपये का, तो 40 रुपये जो मैं अलॉटमेंट पे मांग रहा हूँ बेटा वो 40 में से 30 तो शेयर के हैं मगर 10 किसके हैं, प्रीमियम के हैं। ये 50 रुपये पूरे शेयर के हैं सर, प्रीमियम तो है नहीं इस पे। हम प्रीमियम कहाँ मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट से पब्लिक से बोल रहे हैं भैया तुम हमें 40 रुपये दे दो और इस 40 में प्रीमियम भी मांग रहे हैं। तो ये बताओ प्रीमियम अगर 10 रुपये का है तो 10 रुपये तो प्रीमियम के हो गए, बाकी 30 रुपये किसके हो गए, शेयर के हो गए, ठीक। इसके बात समझ आई मेरी आपको। इसके बाद इसने बोला 30 रुपये ऑन फर्स्ट कॉल, 30 रुपये हमने फर्स्ट कॉल पर मांगे हैं, 30 रुपये फर्स्ट कॉल पर मांग लिए। और उसने आगे जाके बताया हम लोगों को एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल पे हमने बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो मांग लिया। अब बचा हुआ पैसा कैसे निकालेंगे, देखो दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि हम ये मान के चलें कि 150 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का प्रीमियम, दोनों को अलग मान के चलें, तो 150 रुपये कैसे होंगे, देखो 50 शेयर का पैसा, यहाँ पे शेयर का पैसा कितना है 30, पब्लिक से मैं 40 मांग रहा हूँ, ध्यान रखना मगर शेयर कितने के हैं 30 के और 10 कहाँ पे जाएगा प्रीमियम में, तो सर 50 और 30 80, 80 और 30 110, यानी 40 रुपये जो बच गए हैं ये मैं फाइनल कॉल में मांगूंगा। एक तरीका तो ये है फाइनल कॉल निकालने का, एक तरीका और है, एक तरीका क्या है, मैं टोटल मान लेता हूँ कि पब्लिक से मैं 160 मांगूंगा, बात खत्म, मैं टोटल पब्लिक से मुझको 160 रुपीज़ चाहिए, तो अब सब जोड़ लो बेटा 50 और 40 90, 90 और 30 120, 120 और 40 160, तो वो आपकी मर्जी, आप किस तरह उसको डील करते हैं।
आगे बोलता है हमसे कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, पब्लिक ने हमने केवल 14,000 शेयर ही मांग रही है। यकीन मानिए मुझे इसी से मतलब है, बस मैं कितनी कर सकता हूँ 30,000 मुझे मतलब नहीं है, मैं कितने पब्लिक से मांग रहा हूँ 15,000 मुझे मतलब नहीं है, पब्लिक मुझसे 14,000 शेयर मांग रही है तो ये पूरा क्वेश्चन मैं 14,000 से करूँगा। आपसे कह रहा है एंट्री पास कर दो, चलो फटाफट से एंट्री पास करते हैं। तो हमारे शेयर्स कितने हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं, हम पूरा क्वेश्चन करेंगे 14,000 शेयर्स से, तो पब्लिक हमसे 14,000 ही मांग रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, अब ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे केवल एप्लीकेशन लिखा है क्योंकि अब हमारी सारी इंस्टॉलमेंट अलग अलग है। पिछले एग्जांपल में सब कुछ एक साथ मांग रहे थे तो वही एप्लीकेशन था और वही अलॉटमेंट था, तो उन दोनों को मिला के लिख दिया था। कितने रुपए आएंगे सर, 14,000 शेयर्स हैं और सर मैं 50 रुपये मांग रहा हूँ पब्लिक से कि मुझे 50 रुपये आप एप्लीकेशन पर दे दो, तो 14,000 × 50 सर 7 लाख। ₹7 लाख मुझे एप्लीकेशन पे मिल गए। अब ये पैसा मुझे कहाँ करना, अपने पास नहीं रखना, ये पैसा कहाँ भेज देना है, शेयर कैपिटल में। तो सेकंड एंट्री आपको बताई है, तो सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कल वाली एंट्री है, ठीक। चलो सर हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब अलॉटमेंट की बात है, एक दो महीने बाद हमने अलॉटमेंट मांगा तो पब्लिक से मैंने कहा भैया मुझे 40 रुपये दे दो पब्लिक से, और जिसमें से 30 तो मैं शेयर में भेजूंगा लेकिन 10 मैं प्रीमियम के रखूंगा, ठीक है। प्रीमियम का यूज़ क्या करते हैं ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैंने आपको कल भी बताया था अपनी लास्ट क्लास में कि अब हम एंट्री को उल्टा कर दिया करेंगे, अब पहले पैसा ले रहे थे अब हम पहले ड्यू करा करेंगे और फिर उसको क्या करा करेंगे, लिया करेंगे। मैंने इसकी मुझे लॉजिक भी बताया था कि पहली बार जब हमने पैसा लिया तो हम नहीं जानते थे कौन कौन हमारा शेयर मेंबर बन सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्कूल का, याद है आपको कि पहले दिन क्या होता है, पहली बार हम बच्चों को पहले पैसा लेते हैं और फिर एडमिशन देते हैं, बिकॉज हमको नहीं पता हमारा स्टूडेंट कौन है, और जब हमें मालूम पड़ जाता है ये हमारे स्टूडेंट है तो पहले फ़ीस ड्यू करते हैं और फिर लेते हैं। तो अब से क्या होगा, ये दो ही एंट्री होंगी मगर अब उल्टा हो जाएंगी, ये बताया था मैंने। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की है क्योंकि ड्यू करने के लिए, क्योंकि मैं ड्यू करते समय अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांग रहा हूँ तो मुझे एंट्री पास करनी है, मुझको ये एंट्री पास करनी है सर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। चलो बहुत प्यार से समझेंगे, मैंने पब्लिक से अलॉटमेंट पे कितना मांगा सर, मैंने पब्लिक से अलॉटमेंट पे टोटल 40 रुपये मांगे। कितने लोग मेरे शेयर खरीदना चाहते हैं, 14,000। तो सर 14,000 शेयर जो पब्लिक जो है वो हमें कितने रुपए के हिसाब से, 40 रुपये के हिसाब से, तो 14 × 4 = 56। तो सर टोटल 5,60,000 मैंने पब्लिक को ड्यू किया। तो क्या सारा पैसा शेयर में दे दूंगा, नहीं सर, शेयर के तो केवल 30 रुपये हैं। तो सर 14,000 × 30 इट मीन्स 4,20,000। इसमें से 4,20,000 तो शेयर में जाएंगे सर, और बचे हुए कितने पैसे सर, 14,000 शेयर पे 10 रुपये में प्रीमियम मांग रहा हूँ, यानी 1,40,000। 1,40,000 मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। तो मैं हमेशा बच्चों से एक बात बोलता हूँ, एंट्री करने के बाद ना उसको हिंदी में नैरेट जरूर कर दो। नैरेट करने से कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रहता है, जैसे कि मुझे कुल कितने पैसे मिले, कितने पैसे मांग रहा हूँ मैं, 560, जिसमें से इतने पैसे तो मैं भेजूंगा कहाँ पे, अपने शेयर में ट्रांसफ़र कर दूंगा, मेरे कैपिटल का पैसा है, और बाकी मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। आप पब्लिक पैसा दे देगी, इसके बाद पैसे देने की एंट्री होती है। पब्लिक कितना पैसा दे रही है मुझको सर, पब्लिक दे रही है 5,60,000 टोटल। पब्लिक को नहीं पता, पब्लिक तो पूरा पैसा देगी, वो तो अंदर की बात है, कितना पैसा मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो हमारी कंपनी की हेडक है। ऐसे ही बच्चे दो क्वेश्चन कर लेंगे, बचे दो क्वेश्चन में कुछ है नहीं बेटा, सिंपल एंट्री है, पहले ड्यू फिर रिसीव, सेम एंट्री है बस नाम बदल जाएगा। पहले ड्यू करेंगे किस नाम से,
शेयर फर्स्ट कॉल, फिर पैसा लेंगे। चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको दोनों एंट्री। देखिए एंट्री पास हो गई, तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करी, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, इतने रुपये से सर हम पब्लिक हमसे 14,000 शेयर का शेयर मांग रही है, हमने 30 रुपये उनसे फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हैं, तो सर 4,20,000 हमने उनसे क्या किए ड्यू किए, उन्होंने हमको पैसा दे दिया बैंक अकाउंट डेबिट। ऐसी हमने सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी, जो भी लास्ट कॉल होती है उसमें फाइनल पर लगाना होता है, फाइनल कॉल कितने की है 40 की, हमने उनसे इतने मांगे, उन्होंने हमें इतना पैसा दे दिया। किस तरह से हम लोग मेन, देखो ये तो कल भी बता चुका, मेन फोकस आपको इस बात पर करना था कि हम किस तरह से अलॉटमेंट मांगते हैं। बड़ा ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो है वो केवल एक ही कॉल पे ही प्रीमियम मांगे कि भैया या तो हम स्टार्टिंग में मांग लेंगे या बीच में, ऐसा नहीं है, वो सभी कॉल पे मांग सकती है, दो कॉल पे मांग सकती है। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से अपने स्क्रीन पर देखेंगे कि भारत लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब इसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, ये 2,00,000 रुपये तक की कैपिटल पब्लिक से ले सकती है, और इसकी जो कैपिटल है बेटा वो डिवाइड है 10 रुपये के शेयर में, 2,00,000 × 10 यानी 20,000 शेयर ये हमारे इशू कर सकती है, कर नहीं रही है। कल कितनी रही है 2,000 शेयर वर ऑफर्ड, कंपनी को केवल अभी 2,000 यानी 2,000 × 10 कितना 20,000, कंपनी को केवल 20,000 रुपये की ज़रूरत है अभी, तो कंपनी ने 20,000 शेयर ऑफर किए हैं पब्लिक को, मगर पब्लिक ने उसमें से केवल अप्लाई कितने किए हैं, पब्लिक ने अप्लाई किए हैं केवल 1,800, पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, पब्लिक ना हमारी कंपनी की इतनी डिमांड है, तो पब्लिक ने केवल 1,800 शेयर ही अप्लाई किए हैं। वैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 10% होता है, मैं डिस्कस करूँगा आगे जाके। तो अब हमें क्वेश्चन किससे करना है, 1,800 रुपये से, हमें हमेशा क्वेश्चन किससे करना है, इतना वो अप्लाई कर रहे हैं अगर ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो। सर 1,800 शेयर है, पैसा किस तरह से मांगा जा रहा है, सर 3 रुपीज़, एक्चुअली क्वेश्चन में बता रखा है उसने अंदर, वो कह रहा है 3 रुपीज़, एक मिनट बेटा, यस सर, ₹3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, हम पब्लिक से एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है, मगर उसमें 1 रुपये का प्रीमियम भी है, लिखा ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 2 रुपये तो शेयर के मांग रहे हैं, मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 रुपये शेयर के मांग रहे हैं और 1 रुपये प्रीमियम का मांग रहे हैं, इसको अभी से क्लियर कर लीजिए। पब्लिक से 3 ही मांगेंगे, टोटल हम 3 ही मांग रहे हैं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा पब्लिक से 3 मांगेंगे, मगर 1 रुपये प्रीमियम का है और 2 रुपये हमारी अपनी शेयर के लिए है, कैपिटल के लिए। उसके बाद इसने कहा कि 4 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे हमने 4 रुपये मांगे हैं, अलॉटमेंट पे 4 मांगे लेकिन सारे अपने नहीं हैं, उसमें 3 रुपये कैपिटल के हैं और 1 रुपया प्रीमियम का है, 1 रुपये प्रीमियम के, देखो दोनों कॉल पे प्रीमियम मांग रहा है। इसके बाद इसने हमसे कहा कि ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे मांग लिया सर उसने, और प्लस उसने कहा 3 रुपये फाइनल कॉल पे, तो इससे हम चेक भी कर लेते हैं हमने सही किया। अगर मैं बात करूँ 10 रुपये का शेयर है, केवल शेयर की बात करूँ, तो शेयर के पैसे कितने हैं, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 रुपये शेयर के और 2 रुपये प्रीमियम के, तो 10 और 2, 12, इस तरह भी चेक कर लो, 3 और 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, दोनों तरह से कैसे भी समझ लो। तो अब मैं इस क्वेश्चन में ये 2 एंट्री तो आप जानते हो नहीं कराऊंगा, मैं इन दोनों की क्वेश्चन में एंट्री कराता हूँ। सर सबसे पहले तो क्वेश्चन कितने से होगा, 1,800 शेयर से होगा, तो पहली एंट्री किसकी होती है, एप्लीकेशन का पैसा लेने की, ₹5,400 हमको सबसे पहले देंगे, ठीक है। उसके बाद अब इस पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, शेयर कैपिटल में, मगर सारा नहीं, केवल कितना 2 रुपये, 1 रुपये कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रीमियम के अकाउंट में, कैसे सर, हमको पैसे मिले हैं 5,400, मगर इसमें से केवल 2 रुपये, है ना, बात करूँ 1,800 शेयर के केवल 2 रुपये, 10 × 36 3,600 तो हमारे किसके हैं, शेयर कैपिटल के हैं, और 1,800 शेयर पे जो 1 रुपया है वो प्रीमियम का है, इस तरह से एंट्री, देखो मैंने पहले जो एग्जांपल दिया था वो ये वाली एंट्री थी। अब अलॉटमेंट पे भी क्या है, प्रीमियम है, अब हम उल्टा करेंगे, पहले ड्यू करेंगे, तो पहली एंट्री
एंट्री। पैसे कैसे लिखेंगे सर? 1800 शेयर्स पे हम पब्लिक से मांग तो 4 रुपये रहे हैं, 4 रुपीस। तो सर ये हो गया, हम मांग रहे हैं 7200 रुपीस, मगर जिसमें से शेयर कैपिटल केवल 3 रुपीस की है, बाकी 1800 हमने किसके लिए लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए। अब नेक्स्ट कॉल में पब्लिक पैसा देगी और सर पब्लिक हमें 7200 रुपीस दे रही है। तो इस क्वेश्चन से और क्लियर हो गया आपको प्रीमियम का कॉन्सेप्ट। प्रीमियम चाहे एप्लीकेशन पे हो, चाहे अलॉटमेंट पे हो, इवन कॉल पे भी, अगर कॉल पे मांग रहा है, मान लो इस पे भी प्रीमियम मांग रहा है, तो कुछ नया नहीं है। एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। फाइनल कॉल पे मांग रहा है तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, उस पर कोई टेंशन नहीं। तो आई होप आपको प्रीमियम का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैं फिर बता दूं प्रीमियम का मतलब, जब हम अपनी फेस वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू से शेयर को ज़्यादा पे इशू करते हैं। मैं और जल्दी और नए कॉन्सेप्ट के संग, नए क्वेश्चन के संग आपको मिलूंगा अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।